अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉम सेमी टाउन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट झुमका भाकर की रेसिपी आपके साथ में शेयर करते हैं। ये है महाराष्ट्रियन रेसिपी, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 3 चम्मच बेसन ले लिया है और इसके 3 गुना हमें पानी डाल के इसका घोल बनाना है। लेकिन मैंने यहाँ पर छोटा बाउल लिया है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है। आगे बाद में और मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। लम्स फ्री आपको घोल बनाना है। और अब जो हमारा झुनका जो बनता है वो किस तरीके से बनेगा उसके हम प्रोसीजर आपको बताते हैं। एक बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच तेल, और जब ये गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच राई डालेंगे ताकि वो क्रैकल होने लगे। तो फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, और इसके भी क्रैकल होने के बाद में हम इसके अंदर और डालेंगे लहसुन की कलियाँ जो हमने बारीक कट करके रखी है। तकरीबन 10 से 12 कलियाँ मैंने इसमें डाली है, आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें कलियाँ डाल दीजिए। और अब जब ये इसका कलर चेंज होने लगे, जो हमारा गार्लिक है लहसुन है गोल्डन कलर हो जाए इसका, तो हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 4 से 5 ली थी और बहुत ही फाइनली इसे चॉप की थी मैंने। जब ये फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 15 से 20 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अमेजिंग लगता है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा। और जब ये फ्राई हो जाए इसके बाद में हमें और भी बहुत सी चीज़ें डालनी है। तो जब इनके कलर चेंज हो जाए तो हम इसके अंदर एक प्याज काट के डाल देंगे, इसे भी मैंने फाइनली चॉप किया है। और इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देख लीजिए, बहुत ही इजीली और बहुत ही झटपट ये बनके तैयार होती है रेसिपी। जब आपके घर में कुछ ना हो, सिर्फ बेसन हो, तो आप ये बना सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, जो मैं हमेशा आपको टिप देती हूँ कि प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसका भी टेस्ट है ना, हरी मिर्च और लाल मिर्च का बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। हल्दी पाउडर डाल देंगे हम साथ में 1/4 चम्मच, और फिर इसको है ना हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। और साथ में ही अब हमको कितना इसमें नमक चाहिए, चाहे तो आप जो बेसन घोल रहे थे ना उसमें भी नमक ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ आप स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, और ये रेडीमेड गरम मसाला था इसलिए मैंने पैकेट में से ही इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। और इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। लास्ट मोमेंट पे इसे धनिया पाउडर डालने के बाद में अब हमारा जो ये मसाला है अच्छे से बन गया है, लेकिन ऐसे लगे कि हल्का जल रहा है, तो आपने क्या करना, हल्के से इसमें पानी डालना है। और अब जो क्या है ना, जितना पानी हमारा बच गया है, जो 3 गुना पानी हमें डालना था वो पानी हम इसमें डाल के गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाए तो इसके अंदर जो बेसन का घोल हमने बना के रखा था मिक्सचर, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसे चलाते हुए हमें पकाना है ताकि जो हमारा झुनका बनेगा वो लम्स फ्री बनेगा। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि हम चलाना बंद कर दें और इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएँ। तो बस इसी तरीके से बिल्कुल बर्तन में कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, और ऐसे भी हमें हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जो खाना है वे वेस्टेज ना हो। और प्लस आपके साथ में बातें करके, आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी रेसिपी देखकर कैसा लगता है वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुँच सके। अब लास्ट मोमेंट में हमारी जो है झुनका बनके तैयार है, इस पर आप हरा धनिया छिड़क दे, मिक्स कर दे, और बस अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने घर वालों के साथ इसे इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होता है। पानी डालने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको पकाना है इसे। बहुत ही यमी और टेस्टी डिलीशियस ये बनके तैयार होता है। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब भाकर की रेसिपी भी तो आपके साथ में शेयर करनी है। झुमके के साथ में भाकर ना हो तो वो रेसिपी अधूरी होती है। तो यहाँ पर हमने एक
थाला ले लिया है, हम इसे परात कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आप चाहें तो बिना नमक की भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बिना नमक की रोटी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर मैं 3 से 4 रोटियाँ बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने उस हिसाब से आटा ले लिया है। तकरीबन आप जो एक मुट्ठी आटा होता है ना, वो एक रोटी के लिए इनफ होता है। तो यहाँ पर मैं जो है ना गर्म पानी से आपको बता रही हूँ, इससे पहले भी मैंने ये वीडियो शेयर की है रोटी की, तो भाकर की, तो अगर आपको वो वाली वीडियो वॉच करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूँगी जो मैंने ठंडे पानी से बनाई थी। गर्म पानी से बनाने से ये थोड़ी ज़्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको आटे को अच्छी तरीके से गूंदना है, इसलिए मैं ये पूरी लॉन्ग वीडियो मैंने इसकी बनाई है, क्योंकि आप लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डालना है, एक साथ बहुत सारा पानी आपको इसमें ऐड नहीं करना है। खूब अच्छे से मसल मसल के आपको आटा लगाना है, क्योंकि जितना अच्छा आप आटे को मसलेंगे, वो बोलते हैं ना स्क्रैच करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही टेस्टी भी लगती है ये रोटी। और जब आप इसे बनाएंगे ना तो ये टूटती नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अगर वो थोड़ी सी साइड से कट टूट भी जाए तो उसे हम वापस रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा ही आपने आटे का मिक्सचर लेना है और उसके बाद में उसे अच्छी तरीके से रोल करके, देखिए मैं जिस तरीके से बता रही वैसे कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो आपको भी ये बनाने में बहुत आसानी होगी। तो अब यहाँ पर हमने उसे एक पेड़े के तरीके से पतला शेप दे दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा आटा लगा के उसे हल्का सा बिल्कुल आपको मेरे हाथों पर ही ध्यान देना है मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसे हल्के हल्के से आपको थपकना है रोटी को, और देखिए कितनी बड़ी रोटी मेरी हो गई है। और अगर आपसे थपके ना चाहे तो बिल्कुल इस तरीके से जो मैं हाथों से हल्के हल्के प्रेस करके थाला घुमा रही हूँ, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ताकि आपकी रोटी है ना, जब आप न्यू हैं, जो कोई कोई बच्चे न्यू बनाते हैं, कोई बड़ी लेडीज़ है जिन्हें रोटियां बनानी नहीं आती, तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक साइड से जो मैंने हाथ लगाया ना, हाथ लगाने का रीज़न ये है कि जो हमारी रोटी का शेप है ना वो परफेक्ट हो। तो यहाँ पर देखिए मेरी रोटी थोड़ी सी साइड से क्रैक हो रही है, लेकिन उसे मैं फिर से सही कर लूँगी, हल्का सा दबाने पर वो मिक्स हो जाती है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने रोटी को बनाना है। और मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर जो है ना, पहले से ही आपको जब आटा आप लगा रहे हो तब आपने तवे को गर्म कर लेना है, क्योंकि इसमें तवा बहुत गर्म लगता है। और फिर आपने क्या करना है, रोटी डालने के बाद में उसके ऊपर जो है पानी लगा लेना है, पूरी रोटी पे अच्छी तरीके से आपने पानी लगा लेना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस ऊपर से रोटी आपकी गीली हो जानी चाहिए। इस रोटी को सेकने में टाइम ज़्यादा लगता है, जब तक आपकी एक साइड की रोटी ना हो जाए, मतलब अभी जब आपने डाले तो 2 से 3 मिनट तक के उसे सेक लेना है आपने, और फिर इसे निकाल के ऊपर का पानी है ना पूरा सूखना ना पाए। बस अब इस मोमेंट में आपको क्या करना है, उल्थनी वगैरह रहेगी आपकी, उल्थनी आप जो भी चीज़ बोलते हैं, फ्लैट वाला जो स्पून आता है, उससे आपने सब तरफ से रोटी को लूज़ कर लेना है। और रोटी को लूज़ करने के बाद में इसे आपने पलट ले लेना है। अगर आप छोटे हो और आप सीख रहे हो तो प्लीज़ इस टाइम पे मम्मी की हेल्प लीजिए, बहुत केयरफुली इसको आपको हैंडल करना होता है। आप देख सकते हैं हल्की सी ये सीख चुकी हैं, और अब है ना हमें बैक साइड में इसको सेकना है। तो बैक साइड में आपको तब तक सेकना है कि पूरी तरीके से इसका कलर, मतलब गोल्डन शेड तक के हो जाए। आपने इसको पलट के देखना भी है कि हुई या नहीं हुई। देखिए अब ये रोटी मेरी थोड़ी हुई है, लेकिन साइड से कच्ची है, आप देख सकते हैं। तो जो कच्चापन है उसको वापस तवे पे रख के आपको पूरा प्रॉपर तरीके से उसे सेक लेना है। जब ये किनारे अच्छी तरीके से सिक जाए, पूरी रोटी अच्छी तरीके से सिक जाए, तभी आपको उस रोटी को टर्न करना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप ताबड़तोड़ से टर्न कर देंगे ना, तो जो रोटी फूलती है ना गुब्बारे की तरह, वो नहीं फूलेंगी आपकी। ये ख़ास तौर पर आपके लिए टिप है। देखिए अगर आपको प्रॉपर तरीके से रोटी बनाना है तो मेरी वीडियोस को फुल वॉच करना पड़ेगा। मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रिक ऐसी होती है जो आपको आगे सीखने के लिए आसानी देगी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया कीजिए,
ताकि आपको आगे की जो नॉलेज है, जो मेरे पास नॉलेज जमा है, मैं चाहती हूँ वो सभी नॉलेज मैं आप तक शेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं रोटी हमारी प्रॉपर तरीके से सीख रही है, और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ ज़रूरत पड़े हमने हाथों का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि रोटी को कॉर्नर वगैरह सब अच्छी तरीके से सीख जाना चाहिए। देखिए रोटी कितनी अच्छी सीख गई अब हमारी। अभी फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है कि कॉर्नर अगर मेरे ये रहे कच्चे रहे तो फिर वो खाने में वो मज़ा नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। तो अब हमने इसे टर्न कर दिया है, ये पूरी रोटी जो है बैंड हो गई, आपने देखा पूरा अंदर जा रही है। अब ये थोड़ी देर बाद जब ये पूरी सिक जाएगी ना, ये ऑटोमेटिकली गुब्बारे की तरह फूलेगी। तो ये मेन ये कब होता है पता है, जब हमने जो स्ट्रेच किया है ना आटे को खूब अच्छे से करने पर ना, ये इस तरीके का हमारा रिजल्ट आता है। तो आपने जब भी रोटी बनाना है तो मेरी इस वीडियो को एकदम प्रॉपर वॉच करना है, और आपने बनाना है ताकि जो घर वाले हैं वो भी तारीफ़ करें आपकी कि कितनी अच्छी तरीके से आपने इस रोटी को बनाया है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये रोटी सीख चुकी है, उसके बाद भी आपने अच्छी तरीके से आगे से भी कुछ अगर ऐसा लगे कि नहीं थोड़ा कच्चा है तो आपने उसको अच्छे से सेकना है। झुमका और भाकर ये महाराष्ट्र डिश है, और ये इतनी अमेजिंग लगती है ना कि आपने एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो देखिए मैंने आपके लिए आपके घर में ये रेसिपी किस तरीके से आप बना सकते हैं वो शेयर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।